हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? जय माता दी। आज ही फ्रेंड्स पहला नवरात्रि और मेरे यहाँ पर पूजा पाठ हो चुकी है। देखिए, ये देवी माँ को मैंने हार चढ़ा लिया है, चुनरी लगा ली है और अच्छे से सजा लिया है। देखिए मेरा मंदिर अच्छे से, और मैं आपको गरबा दिखाती हूँ। मैंने पूजा में क्या क्या नवरात्रि में हमारे घर में कैसे तैयारियाँ होती है मैं आपको बताती हूँ। मेरा और दीदी का उपवास है 9 दिन तक, और हम हर साल मनाते हैं नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से, बहुत अच्छा लगता है। आरती भी होती है, लेकिन हो पाएगा तो मैं आरती का वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैंने क्या क्या माता जी के लिए तैयारी की आपके साथ शेयर कर दूँ, तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये माता जी का गरबा लिया है हमने, और इसके अंदर दिया रखते हैं, चावल ऐड करते हैं, दिया जलाते हैं। गरबा के अंदर ये नारियल रखा है, आम का पत्ता है, कलश स्थापना की है हमने यहाँ पर। देखिए 9 दिन तक हमारे घर में कलश स्थापना होती है, और इसकी 9 दिन तक ऐसे ही रहेगा कलश स्थापना। और ये माता जी हम हमारा देखिए, और यहाँ पर हमने मम्मी ने अगरबत्ती किया था, और इसके अंदर हमने जव डाला है, तो कपड़े से ढक के रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से निकले। 2-3 दिन के अंदर निकलेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके अंदर जव ऐड किए हुए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से ढक के रख दिया है, और ये हमारी माता जी है। देखिए गणपति बापा है, भोलेनाथ है, और शंख है यहाँ पर। ये देखिए शाम के टाइम में मेरा बेटा और दीदी का बेटा शंख बजाते, आरती होगी। और देखिए आशापुरा माँ है, अम्बे माँ है, चामुंडा माँ है, सारी माता जी यहाँ पर है। और पूजा का सारा सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो शाम के टाइम में हम आरती भी करेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सबकी माता जी मनोकामना पूरी करेगी। आप देख सकते हो कैसा लगा वीडियो, मुझे ज़रूर बताना। छोटा सा वीडियो है, मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए शेयर किया है। तो हमारे घर में 9 दिन तक धामधूम से नवरात्रि की माता जी की धामधूम से पूजा पाठ किया जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें और आपको भी। आप सबकी माता जी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी करें। जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।